आज हम बनाने वाले हैं बंगाली फ्राइड राइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें 500 ग्राम बासमती राइस चाहिए। इसको अच्छा से धो के आधा घंटा के लिए हम सोक कर लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें 3 लीटर पानी डाल देंगे और गर्म होने के लिए रख देंगे। देखिए गर्म हो गया है हमारा पानी। अभी इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अभी इसमें डाल देंगे सोक किया हुआ राइस। राइस 80% कुक हो गया है। अभी हमें पानी को इमीडिएट ड्रेन कर लेना है। अभी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। अभी इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करके ढक के रख देंगे। फ्राइड राइस में डालने के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। एक छोटा सा फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे छोटा इलायची, 1/2 जायफल ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जायत्री। लो फ्लेम में हमें थोड़ा भून लेना है। भून लेने के बाद एक पाउडर बना लेना है। एक कढ़ाई लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हम काजू थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए काजू अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी उसी ऑयल में कॉलीफ्लावर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें नमक हल्दी कुछ नहीं डालना है, जस्ट इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है। देखिए कॉलीफ्लावर हमारा फ्राई हो गया, हम उठा के रख देंगे। अभी उसी ऑयल में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे बड़ा इलायची, डालेंगे थोड़ा सा स्टार्निश और